नमस्कार, मैं श्रेया यादव, आप देख रहे बनारस व्यापार मंडल हड़ा सराय में चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इन दिनों बनारस के हड़ा सराय स्थित बनारस व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। बताते चले कि आज से पूर्व 1997 में बनारस व्यापार मंडल का चुनाव हुआ था। इस बीच लगभग 25 सालों में कई बार विभिन्न पदों पर सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का मनोनयन भी हुआ, लेकिन 25 साल के इस लंबे अंतराल में व्यापार मंडल के कई सम्मानित पदाधिकारी और मतदाता या तो अल्लाह को प्यारे हो गए या भगवान को प्यारे हो गए। इसे सुखद संयोग कहेंगे कि अमृत महोत्सव काल में यानी 24 अगस्त 2022 को काफी गहमा गहमी के बीच बनारस व्यापार मंडल का चुनाव होने जा रहा है। खबर है कि हड़ा सराय के इस बार के चुनाव में विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला लगभग 2500 मतदाताओं के मतदान से होने वाला है। लिहाजा सभी पदाधिकारियों ने व्यापक जनसंपर्क कर व्यापारी हितों में हैंडबिल छपवा कर मतदाताओं के बीच लगातार वितरण करा रहे हैं। सबसे कांटे की टक्कर बनारस व्यापार मंडल में अध्यक्ष पद को लेकर है, जहां वर्तमान महामंत्री राशिद सिद्दीकी की इस बार अध्यक्ष पद पर मजबूत लड़ाई है और इन्हें सीधी टक्कर दे रहे हैं शेख आसिफ। इनके अलावा अध्यक्ष पद पर एनुद्दीन एनु भाई ने अपनी दावेदारी कर इस लड़ाई को त्रिकोणात्मक कर दिया है। महामंत्री पद पर अजहर आलम अज्जू और कोषाध्यक्ष पद पर समर खां भी ताल ठोक रहे हैं। क्लाउन टाइम्स की संवाददाता श्रेया यादव ने बनारस व्यापार मंडल के विभिन्न पदाधिकारियों से की सीधी बात। देखिए क्या कह रहे हैं व्यापारी नेता। इस वक्त हमारे साथ है बनारस व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शेख आसिफ जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका चुनाव मुद्दा क्या है। मैडम, सबसे बड़ी बात की व्यापार मंडल जो बनारस व्यापार मंडल है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा व्यापार मंडल है। यहाँ तक कि लखनऊ का व्यापार मंडल भी, वहाँ के व्यापारी जो हैं टोटल 1400 हैं, इलाहाबाद में 800 हैं, लेकिन ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी, यहाँ 2500 दुकानदार हैं। अब 2500 दुकानदार को एक ऐसा नेता चुनना है जो शासन प्रशासन से बात करे और अपनी बातों को समझो, जहाँ की समस्याएं उसको वहाँ पर उसका निवारण कराए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है पार्किंग की। 2400 दुकानदार हैं लेकिन उनको गाड़ी रखने की सुविधा नहीं है। तो मैं अपने 9 मुद्दे के साथ बनारस व्यापार मंडल चुनाव में आया हूँ अध्यक्ष पद के लिए, और हर मतदाता से यही कह रहा हूँ, दुकानदार से यही कह रहा हूँ कि मेरे जो 9 मुद्दे हैं उसके अंदर पहला सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर व्यापारियों को बनियाबाग के जो अंडर पास है उसके अंदर पार्किंग की व्यवस्था मिले, ताकि व्यापारी अपनी जो गाड़ी वो अच्छी तरीके से वहाँ रख कर अपना व्यापार कर सके और जाम की वजह से आवागमन में जो असुविधा होती है वो ना हो। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि इतना बड़ा व्यापार मंडल के अंदर सीसी कैमरा नहीं है, तो हम चाहते हैं हमारे जो व्यापारी उनके लिए सीसी कैमरा लगे। तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है हमारी वो है एटीएम, क्योंकि यहाँ पर किसी मंडी के अंदर एक एटीएम भी नहीं है, तो एटीएम लगना चाहिए। चौथा जो है यहाँ एक बिजली का मुद्दा है कि दुकानदार के पास मीटर नहीं है, क्योंकि मकान मालिक लगाने नहीं देता या जो भी होगा। तो हम ये मांग करेंगे अपने शासन प्रशासन से, क्योंकि मैं एक सत्ता पक्ष से जुड़ा भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मतदाता जो है दुकानदार हमको जिता के भेजे ताकि इनकी बात को हम वहाँ तक रख सकें। आसिफ जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और आप क्लाउन टाइम्स के माध्यम से अपने मतदाताओं को क्या बताना चाहेंगे? हम अपने मतदाताओं को यही बताना चाहेंगे कि आप सभी लोग 3 प्रत्याशी मैदान में, आप अपने देखिए कि वो 3 प्रत्याशी में कौन बेस्ट है, कौन शासन से, कौन प्रशासन से, कौन विधायक से, कौन मेयर से, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, कौन आपकी बातों को वहाँ तक रख सकता है, क्योंकि ये समस्या इनकी भी है, मेरी भी है, मैं खुद एक व्यापारी हूँ। तो मैं यही कहूँगा क्लाउन टाइम्स के माध्यम से सारे लोगों को कि आप लोग अपना 24 तारीख को अपना कीमती वोट दें और मुझे सफल बनाएं, ताकि हम अपनी जो 9 मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँ। अपना परिचय बताइए। सोनू भाई, लतीफ इंटरप्राइजेस, कॉस्मेटिक की दुकान है। आप किसको अपना वोट देंगे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के? हमारे अध्यक्ष आसिफ भाई है और इनका जो मुद्दा है वो सही मुद्दा है। यहाँ पे कौन सा मुद्दा आपको ज्यादा खास लगा? पार्किंग का, एटीएम का, सीसी कैमरे का। मोहम्मद राशिद सिद्दीकी, बनारस व्यापार मंडल महामंत्री। मेरा चुनाव लड़ने का एक ही मुद्दा है कि व्यापारियों के हित के लिए जो भी हो, व्यापारियों के हित के लिए हो,
जो पहले करते आए थे, जो अब करना चाहते हैं और बेहतर बनाने के लिए वो काम करूंगा। राशिद जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और आप क्लाउड टाइम्स के माध्यम से अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह है गिलास। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लड़ रहा हूं। मेरा मेन उद्देश्य है कि व्यापारियों की जो भी समस्या हो उसको साथ लग के उस समस्या को खत्म करना चाहिए। मैं झूठी वादा, झूठी बात और प्रत्याशियों की तरह मैं नहीं करना चाहता। हमारा मेन काम है कि हम व्यापारियों को सूचना मिलने पे ही तुरंत पहुंच जाते हैं, ना कि जो है उनके हमारे इंतजार करेंगे कि वो मेरे पास आए और मुझे कहें कुछ। ये मेरा अपना वो नहीं है कि वो व्यापारी है, वो मेरे व्यापारी है। और तो आज 24 साल से मैं व्यापारियों के बीच में हूँ, सभी काम को उनके मैं देखता हूँ। आज तक व्यापारी हमसे कभी नाराज नहीं हुआ। आज उसी का उद्देश्य है कि व्यापारी मेरे साथ है। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम अजहर आलम अज्जू है। मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीए सोशल वर्क से किया है और एमए हिस्ट्री से किया है। मैं एलएलबी अपेयरिंग कर रहा हूँ और मैं व्यापार मंडल, बनारस व्यापार मंडल से महामंत्री प्रत्याशी पे मैं महामंत्री का पद चुनाव लड़ रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितना प्यार और मोहब्बत मेरे साथ है। और ये बनारस व्यापार मंडल, ये 27 साल बाद ये चुनाव हो रहा है, जो कि इसके पहले हमेशा सिलेक्शन हुआ करता था, अब इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, जब तक सिलेक्शन हुआ करता था मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी यहाँ की व्यापारियों में बहुत सारी यहाँ की समस्याएं थी, अतिक्रमण के नाम पर, जो कि दुकानें यहाँ से हटाई जा रही हैं। ठीक है, अतिक्रमण के नाम पे बोला जाता है कि आपकी दुकान आगे बढ़ चुकी है। आप जितने बड़ी से बड़ी मंडी देख लीजिए, दिल्ली के सदर देख लीजिए, चलने के लिए रास्ता नहीं रहता। मंडी इस तरह की ही होती है, मंडी में कोई रास्ता नहीं होता है। ठीक है, मंडी में कोई आवागमन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मंडी में दुकान ही रहेगी। जब इंसान दुकान नहीं खोलेगा, दुकान में आगे पटरी नहीं लगाएगा, तो वो क्या बेचेगा, क्या कमाएगा? ठीक है, ये सब समस्या है, मूलभूत समस्या। चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह ताला चाबी है। क्लाउन टाइम्स के माध्यम से आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से अपील यही करना चाहेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो कि आपका काम आगे तक पहुंचा सके, आपका काम का निवारण कर सके, उसका हल निकाल सके, समस्याओं का हल निकाल सके। आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए। कुल मिलाकर वैसे तो बनारस में आधा दर्जन व्यापारी संगठन स्वयं को सबसे बड़ा व्यापारी नेता कहते हैं, लेकिन बनारस के हृदय स्थली थाना चौक के अंतर्गत हड़ासराय मंडी की सकरी गलियों में हजारों की संख्या में छोटी बड़ी दुकानों पर ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं मिलता है, जहाँ से पूर्वांचल और बिहार सहित आसपास के जिलों में व्यापारी थोक रेट में सामान की खरीदारी करने लगातार आते हैं। दिन में तो यहाँ तिल रखने की जगह नहीं है। आज उसी व्यापार मंडल में चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं हड़ासराय से व्यापार मंडल के चुनाव पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।